नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया के खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश है मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अगली विधानसभा की परीक्षा, विधायक ने क्या कुछ कांड कराए, उन सब पर बात करेंगे मेरा गांव मेरा देश के इस यूपी एडिशन में। यूपी एडिशन में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की हर उस विधानसभा की जहां पर नेताओं के द्वारा क्या कुछ काम कराए गए। वादे तो हर किसी ने करे, प्रवचन तो हर किसी ने किए, लेकिन वचन के नाम पे जो कुछ कहा गया उसकी सत्यता की जांच करेगा मेरा गांव मेरा देश का यूपी एडिशन का कार्यक्रम। आज दर्शकों हम एक और विधानसभा को जांचेंगे, परखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, क्योंकि जनता भी तो इंस्पेक्शन कर सकती है। बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़ी रैलियां, बड़े बड़े रैलों में आपने सुना होगा कि आज मंत्री जी आज विधायक जी ने यहां निरीक्षण किया, यहां का दौरा किया, और जनता क्या घर पर बैठी रहे कि जब चुनाव आएंगे तब नेताजी उनके सामने हाथ जोड़ेंगे और जब वो हाथ जोड़ेंगे तब वो वोट देंगे। चुनाव नजदीक हैं, कई तरीके की बातें आ रही हैं, कोई स्कूटी दे रहा है, कोई लैपटॉप दे रहा है, कोई 1000 रुपए दे रहा है, लेकिन क्या इससे जनता का भला सच में होता है, इसको भी जांचेंगे परखेंगे। ऊपरी बातें बहुत हो गई, ऊपरी जो माहौल है वो हर किसी की नजर में है, लेकिन विधानसभा में क्या कुछ माहौल है, नीचे क्या कुछ चल रहा है, जमीनी हकीकत क्या है, विधायक ने जो वादा किया जो दावा किया क्या वो सच में कर दिखाया या नहीं, इस पर जांच होनी चाहिए। कौन करेगा जांच? तो जांच करने के लिए इस कार्यक्रम की संरचना की गई है। यहां पर जो सिटिंग एमएलए है उनकी पार्टी का एक नुमाइंदा यहां मौजूद रहेगा और साथ ही साथ जो सबसे करीबी मामला, जो सबसे करीबी टक्कर देते रहे हैं उनका भी एक नुमाइंदा यहां मौजूद रहेगा। साथ ही साथ पहली दफा होने वाला है कि हमारे कार्यक्रम में फोन लाइंस का भी जिक्र होगा। फोन लाइंस खुली हैं, कोई भी दर्शक कोई भी साथी हमारे साथ जुड़ सकता है, अपनी बात रख सकता है, नेता मंच पर है उनसे सवाल जवाब तलब कर सकता है, वही खाता खोल दिया गया है। दर्शकों आज हम बात करेंगे मेरठ की सिवाल खास विधानसभा की। सिवाल खास विधानसभा जब इसका जिक्र होता है तो सिवाल खास के लोगों ने मुझे बताया कि दरअसल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसी विधानसभा के साथ अगर कुछ बुरा हुआ तो वो हुआ सिवाल खास के साथ। सिवाल खास विधानसभा सबसे ज्यादा छूती विधानसभा, जहां पर नेता वोट तो मांगने आते हैं, ताबड़तोड़ रैलियां तो कर दिखाते हैं, लेकिन जनता के लिए क्या कुछ करते हैं उस पर बातचीत होगी। आज फोन लाइंस जो खुली हुई हैं वो सिर्फ सिवाल खास विधानसभा के लोगों के लिए खुली हुई हैं, तो इनको भी हम लोग फोनों पर लेंगे, इनको भी हम लोग लगातार फोन पर दर्शकों को लेते रहेंगे। जो भी दर्शक हमें सुन रहा है, जो जिस दर्शक के मन में कोई सवाल आ रहा है वो हमसे जुड़ेगा, वो हमसे बातचीत कर सकता है। जल्दी नेताओं को हम अपने साथ मिलेंगे, नेताओं से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा फैक्ट्स के बारे में बता देते हैं। तो सिवाल खास विधानसभा सिटिंग एमएलए है जितेंद्र सतवाई भी इनको कहा जाता है और बिल्लू भी कहा जाता है, ठीक है। और इससे पूर्व के जो विधायक है जो 2017 में हार गए थे उनका नाम है गुलाम मोहम्मद साहब, 2012 से 2017 के बीच यही विधानसभा के विधायक थे। और आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं इस विधानसभा की, 6 विधानसभा चुनाव जो बीते हुए हैं last 6 यहां पर जो इलेक्शन हुए हैं उसमें किसी भी पार्टी ने रिपीट नहीं किया, मतलब यहां सबको मौका मिला है, सबने मौका लिया लेकिन कोई चौका नहीं लगा सका। यहां से आरएलडी ने भी कब्जा किया, यहां पर बसपा ने भी कब्जा किया, यहां पर बीजेपी ने भी कब्जा किया, यहां पर सपा ने भी कब्जा किया, सब एक एक टर्म यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो थोड़ा सा जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूं। आरएलडी 2002 रणवीर राणा विधायक चुने गए, बीएसपी 2007 विनोद कुमार हरित विधायक चुने गए, समाजवादी पार्टी 2012 गुलाम मोहम्मद विधायक चुने गए, कितने वोट मिले 58,852। 2017 का विधानसभा चुनाव योगी लहर मोदी लहर कितने वोट मिले 72,842। तो बीजेपी 2017 में जो कुल वोटों से जीती थी, जो जीत का मार्जिन है वो भी दरअसल बहुत महत्व रखता है, तो बीजेपी जीती थी 11,421 वोट से, हराया किसको था, गुलाम आजाद साहब को। तो आपको जितेंद्र पाल सिंह के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देते हैं। एसेट्स जो इनके पास एसेट्स हैं उनकी कुल कीमत जो दर्शाई गई आरटीआई के द्वारा, जो हमें बताई गई, हलफनामा भी दाखिल किया गया होगा, 78 लाख रुपए से ज्यादा। इसके साथ ही लाइबिलिटीज की बात करें तो 5 लाख से ज्यादा। इसके साथ ही अगर इनकम की बात करें तो 6,36,000 रुपए इनकी इनकम है, जो ये बताते हैं दिखाते हैं और दर्शाते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनके पास मैं सीधे जाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम सिवाल खास विधानसभा की जो बातचीत कर रहे हैं उसमें एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि सिवाल खास विधानसभा के मुद्दे क्या हैं, सिवाल खास विधानसभा के लोग क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ चीजें हैं जो उनको परेशान करती हैं, और सिवाल खास विधानसभा 2017 के बाद कितना बदला,
या फिर 2012 से जो 17 के बीच जो कुछ काम हुए, क्या उन कामों को आगे बढ़ा सकी बीजेपी सरकार? बड़ा सवाल, और बड़े सवाल के साथ बड़े लोग भी बड़े जवाब के साथ हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज आपको समझाता हूं सिवाल खास के बारे में, कि सिवाल खास इकलौती ऐसी विधानसभा है जहां पर हर पार्टी को मौका दिया, यहां की जनता ने हर पार्टी को चुना, यहां पर मजदूर कामगार एक पार्टी बनी, नई पार्टी, उसको भी मौका दिया, आरएलडी को भी मौका दिया, सबको मौका मिलता रहा। समय समय पर सबने ये जो चखना है सत्ता का, सबने चख लिया। लेकिन क्या लोगों के लिए काम किया गया, लोगों के लिए काम किया गया कि नहीं किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, मेहमान सबसे पहले जुड़ेंगे तो बीजेपी के जो मेहमान है वो दरअसल लेट है या लपेट है कुछ समझ में तो अभी आता नहीं। उससे पहले फारूक हसन साहब हमारे साथ, पूर्व राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है फारूक साहब आपका। फारूक साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है फारूक साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आवाज आ रही है आपको मेरी? धन्यवाद, आवाज आ रही है। ठीक है फारूक साहब, सबसे पहले तो मैं ये बातचीत करना चाहूंगा आपसे, आवाज एक बार और चेक कराइएगा जरा, टेक्निकल टीम में हो कोई तो। ठीक है वो दरअसल स्पीकर पे खोलने के लिए यहाँ पर हमारी पीसीआर का पता नहीं कहाँ थे सब। चलिए तो ये जानना चाहूंगा फारूक हसन साहब कि समाजवादी पार्टी ने आपको मौका दिया 2012 से 2017 के बीच, ऐसे में एक चीज मुझे किसी ने बताई जब हमने वहां पर सर्वे करा जमीनी, तो वहां पर मुझको बताया गया, ठीक है जमीनी जब सर्वे कराया तो बताया गया कि आपकी सरकार में 11 कॉलेज बनाए गए थे, लेकिन जैसे ही आपकी सरकार गई वो 11 कॉलेज तो खंडर बन गए, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। चलिए ठीक है, ऑडियो की समस्या है मुझको लीजिए स्क्रीन पर, फारूक साहब आपके पास दोबारा वापस आऊंगा, स्क्रीन पर लीजिए फारूक साहब, आपके ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है, आपको दोबारा से लिया जाएगा। तो सिवाल खास विधानसभा का जमीनी हाल आपको समझा रहे हैं, जमीनी हकीकत आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जमीन पर किस तरीके से काम हो रहा है, कि आखिर जमीन पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से जो वादे जो नेताओं ने किए थे वो क्या पूरे हुए। तो ऐसे में ये सवाल है जिसका जवाब भी लेना जरूरी है। फारूक साहब एक और बात जुड़ गए हैं, फारूक साहब ऑन द स्क्रीन प्लीज। तो फारूक साहब ये जानना चाह रहा था मैं आपसे कि 2012 से 2017 के बीच आपने 11 कॉलेज बनवाए, लेकिन आज लोग कह रहे हैं कि वो खंडर हो गए, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मैं वही बात आपके सामने कहना चाहता हूं कि 2012 से लगाकर 2017 तक पूरे विधानसभा में 11 कॉलेज जो समाजवादी पार्टी की सरकार में यहाँ के सिवाल खास के विधायक गुलाम मोहम्मद द्वारा जो बनाए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ जितना काम 2012 से लगा करके 2017 तक की सरकार में काम हुआ है वही काम हुआ है, बाकी कॉलेज वही के वही रुक करके उनका काम रोक दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या भारतीय जनता पार्टी के विधायक जितेंद्र सतवाई ने आज तक पलट करके उन कॉलेजों की तरफ को नहीं देखा जिनमें इस विधानसभा के नौनिहाल बच्चे और हमारा भविष्य, इस देश का भविष्य, इस का भविष्य, जो हमारे पढ़े लिखे शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो बच्चे हमें हौसला चाहते थे उनका भविष्य, उनका जो सपना है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ठीक है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, ठीक है उन बच्चों का जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे उनका सपना चकना चूर कर दिया है। ठीक है ये काम नहीं है, ठीक है मोदी, ये काम नहीं है कि अकेला कॉलेज का काम किया है। 2012 के अंदर 2012 से लगाकर 2017 तक पूरी सिवाल खास विधानसभा का आप सर्वे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, दिखवा सकते हैं, पता निकाल सकते हैं, निकलवा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर एक ईंट भी न कहीं नाली है, न कहीं सड़क खड़ंजा है, न कहीं कोई सड़क है, किसी भी सड़क का कोई कार्य नहीं, कोई कॉलेज का कार्य नहीं। जो लोगों की वोट इन लोगों ने हिंदू और मुसलमान के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों ने जो वोट ली है, आज इनकी स्थिति यह है कि वोट मांगने के लिए ये किसी गाँव में, किसी कस्बे में, किसी शहर में जाने लायक या अपना मुंह दिखाने लायक भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बचे हैं। आप थोड़ा सा ठहरिए। पूर्व राज्य मंत्री साहब, आपने इतना काम किया, इनाम क्या मिला? इनाम वोट मिले महज 60,000 लमसम, ये क्या कितने वोट मिले?
8,000 के लमसम वोट मिले थे आपको जी, हमारे यहाँ जो हार हुई थी लगभग वो 11,000 वोटों से हम हारे थे यहाँ से, जो सिटिंग एमएलए उनको 72,000 मिले थे। ठीक है जी, बताइए। देखिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इन लोगों ने चुनाव को लड़ा था, इन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े अपने वादे पूरे ही नहीं किए, लेकिन अब दिल लोग चाहते हैं कि दोबारा से समाजवादी पार्टी की सरकार आए और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सरकार बने, ताकि जो पिछला काम जो हमारे बच्चों का भविष्य बनने वाला था वो दोबारा से सिर्फ काम हो, और फिर शिवाल खास में विधायक भी समाजवादी का और उत्तर प्रदेश में सरकार भी समाजवादी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए अब जब विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं ना पूर्व राज्य मंत्री साहब, तो फारूक साहब एक चीज समझ में आती है कि 2002 में आरएलडी को मौका मिला, 2007 में बीएसपी को मौका मिला, फिर सपा को मौका मिला, फिर बीजेपी को मौका मिला, अब आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को भी मौका दे दीजिए? कांग्रेस को भी मौका मिल सकता है, यहाँ की जनता तो दरअसल एक्सपेरिमेंट कर रही है। देखिए बात कांग्रेस की नहीं है, बात सिस्टम इलेक्टली है। सिस्टम ये है कि जो बचा हुआ कार्य जो सरकार का खजाना यहाँ पर लग चुका है उसको वही लोग पूरा करेंगे जिन लोगों ने वो पहले काम किया है, और जो इन लोगों ने ये जो भ्रष्ट सरकार जो आज चल रही है इन लोगों के नुमाइंदों में जो काम रोक दिया है उसको वही काम पूरा कर सकता है जिसने वो काम कराया है। यहाँ पर दीवार पास के विधायक को गुलाम मोहम्मद साहब ने बहुत काम किया है, उनको तारीफ के काबिल है, उन्होंने हर जाति धर्म के लोगों का काम किया है, हर हिंदू और मुसलमान का काम किया है, हर छोटे बड़े आदमी का काम किया है। उनसे 9,000 करोड़ रुपए की लागत से 2012 से 2017 तक जो है विकास कार्य करवाने का काम किया है। जिस गांव से मैं ताल्लुक रखता हूँ इसमें लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए विधायक निधि से समाजवादी पार्टी की सरकार में विधायक गुलाम मोहम्मद ने लगाने का काम किया था, और इसी तरह से पूरी सिवा खास में किसी भी गांव में आप जाके सर्वे कर सकते हैं, दिखवा सकते हैं, देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 17 के बाद कोई काम नहीं किया, जितना भी काम है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में काम हुआ है। फिर भी जनता मौका न कांग्रेस को देगी न किसी बसपा को देगी, सिर्फ यहाँ पर इस बार गठबंधन होने वाला है, गठबंधन की एक लहर है, गठबंधन के कैंडिडेट को यहाँ से जीत मिलेगी, और विकास कार्य भी हमारी सरकार और हमारा गठबंधन यहाँ पर पूरा कर सकता है। मैं तो अपने जाति तौर से कह सकता हूँ कि समाजवादी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता, हमारा गठबंधन आगे के लिए इस बात के भविष्य को बनाने के लिए, उन बच्चों का भविष्य को बनाने के लिए सिर्फ हमारी पार्टी और हमारी सरकार और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पूरे प्रदेश में काम किया है उसका एक नाम है, उसका एक काम है, काम बोलता है, देर नहीं सवेर नहीं तो देर नहीं। याद रखना कि 2022 में सिर्फ इनकी नाकामियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को यूपी से विदा होना पड़ेगा, और अखिलेश यादव की चले। ठीक है, एक फारूक साहब यही थोड़ा सा एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप मुख्य विपक्षी चेहरा है और सवाल खास में आप पूरी टक्कर दे रहे हैं, तो सवाल खास में वो कौन से काम है जो आपको लगता है कि बीजेपी ने दरअसल उन कामों के साथ बंटाधार कर दिया है सवाल खास का? शिक्षा के, क्योंकि बीजेपी के मेहमान बिल्कुल जुड़ने ही वाले हमारे साथ, बीजेपी के मेहमान जुड़ेंगे, इन्हीं सवालों को उनके ऊपर दागा जाएगा, बताइएगा। शिक्षा की दृष्टि से अगर कोई काम नहीं देखा जाए तो कोई काम नहीं हुआ। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो स्वास्थ्य में कोई नया अभी अस्पताल नहीं, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं, कोई भी किसी भी तरह के मुद्दे पे आप बात करेंगे तो यहाँ पर सवाल खास में कोई किसी भी मुद्दे पे कोई काम होने का, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है सवाल खास में, आप ये कह रहे हैं? आप देख लो, दिखवा लो कहाँ है, कोई भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा मुझे बताए कि हमने क्या काम किया है। ठीक है, 2017 से पहले जब आपकी सरकार थी तो आपके द्वारा जो स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई थी, स्वास्थ्य विभाग की गई थी, वो आज कहाँ चली गई, वो अदृश्य कैसे हो गई? आप उनका हालत देख सकते हैं, वो जो तमाम स्वास्थ्य क्षेत्र है, जो छोटे छोटे हॉस्पिटल गाँव में और कस्बों के अंदर जो सरकारी बने थे उनमें उनकी सफाई थी, उनकी सुथराई थी, अब ना डॉक्टर आता है ना कोई जो है। तो आपकी आपकी फारूक साहब जब आपकी सरकार थी तब आपने क्यों नहीं बनवाया कोई बड़ा अस्पताल, आपने क्यों नहीं दिया सवाल खास को? आप कुछ
कुछ भी किसी भी मामले में देखिए, इसी के बराबर में सिवाल खास में एक गांव है जसर सुल्तान नगर, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इतना बड़ा सरकार ने उसमें रकम लगाई, वहां काम करने का काम किया, वो आज आप उसको देख सकते हैं पॉलिटेक्निक, ठीक है, तो वो खंडन में बदल चुका। ठीक है, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजकुमार जी हैं, वो नेता हैं, वो आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। राजकुमार जी, आप मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी ठीक है, ये फारूक साहब, राजकुमार जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी दे रही है। ठीक है फारूक साहब, आपने बताया, राजकुमार जी, फारूक साहब कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने दरअसल सिवाल खास का पूरी तरह से बंटा खास कर दिया है, जितना खास था अब वो आजकल नाखास हो गया है। आपकी सरकार ने दरअसल कुछ नहीं किया, जो सपा की सरकार में जो कॉलेज बनाए गए थे वो आज खंडर हो चुके हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई थी वो पूरा तरीके से खत्म हो चुके हैं आपकी सरकार पे। सिवाल खास को क्या कुछ मिला बताइए जी। सिवाल खास को मैं पहले मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे दिवस पर, मैं राम कुमार, युवा मोर्चा जिला कार्यकारिणी सदस्य, अच्छा व्यापार जी, ठीक है। फारूक साहब आपके सामने, फारूक साहब बैठे हुए हैं, पूर्व राज्य मंत्री हैं समाजवादी पार्टी, ठीक है जवाब दीजिए। जी मैं जवाब देता हूँ। सिवाल खास में जब समाजवादी की सरकार थी तो कोई भी रास्ता गड्ढा मुक्त नहीं था, सब गड्ढे युक्त थे और उनमें गड्ढों में होते हुए रास्ते में जब निकलते थे, बहन बेटियां निकलती थी, तो फारूक साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, जब बहन बेटियां निकलती थी और सही 4 बजे उन बहन बेटियों को घर में मूंदना पड़ता था, इतना गुंडागर्दी की सरकार 2017 से पहले थी, मैं फारूक साहब से पूछना चाहता हूँ कि आज मुझे ये बताएं कि बहन बेटियां किसी भी समय कहीं भी जा सकती हैं। ठीक है, वो एनसीआरबी के डाटे से हम निकाल लेंगे, लेकिन विकास की बात बताइए, विकास कितना कुछ करवाया आपने, विकास पर आइए। जी सिवाल खास में विकास, विकास के लिए पूरे विकास खंड सरूरपुर और जी आप जाने रोटा में हर एक रास्ते, तो हमने हर गांव में तो इंटरलॉकिंग किया है, हर गांव को क्या किया है, हर गांव में, कोई सा गांव ऐसा नहीं है जिसमें हमने रास्ता न दिया हो। अच्छा, 134 गांव आते हैं सिवाल खास में, 134 गांव में माननीय जितेंद्र सतवाई जी ने और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, वो कौन सा काम है जिसको लेकर आपको लगता है कि आप एक बार फिर सत्ता में रिपीट करने जा रहे हैं? ऐसा हुआ नहीं है विधानसभा में कभी भी चुनावों में, बताइए वो एक काम बताइए जिसको लेकर आपको लग रहा हो कि आप रिपीट कर सकते हैं। जी ये रिपीट कोई सा आपके हमारी सरकार भाजपा, नहीं नहीं अटकिए मत, सीधे एक पॉइंट सीधा स्पष्ट जी, एक बार रिपीट कीजिए, वो एक काम बताइए जिसको लेकर आपको लगता हो कि आप आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2022 उसमें आप रिपीट करने जा रहे हैं, एक काम सिवाल खास के लिए जो आपने किया। जी सिवाल खास के लिए, इतना मत अटकिए लटक जाएंगे, क्या कर रहे हैं आप? नहीं लटकेगा भैया, बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, बताने के लिए थोड़ा सा समय छोड़ा नहीं है, थोड़ा सा समय छोड़ा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, सपा वालों को मौका मिल गया, तुरंत लपक के बोलने लगे। मौका नहीं, जी जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे गुलाम मोहम्मद ने जो यहाँ पर कॉलेज बनाए हैं, ये पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो हमारे दसड़ में बनाया, ये खंडर है स्वास्थ्य, अरे महाराज महाराज, अरे महाराज, पूर्व राज्य मंत्री साहब, पूर्व राज्य मंत्री साहब, पूर्व राज्य मंत्री साहब, जो कॉलेज बनाए हैं क्या उनमें ये स्टाफ और ये उस समय क्यों नहीं दे सके, उसी तरह समय खंडर कैसे बन गए थे, क्या इन्हें कौन सी ऐसी वो है कि जो हमने सामना किया हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिवाल खास में बिजली, अरे रुकिए रुकिए, अरे रुकिए अरे रुकिए, एक एक करके बोलिए, राजकुमार साहब आप अपनी बात रखिए, और फारूक साहब इतना तेज मत चीखिए, जिस केबिन में बैठे हैं उसके शीशे टूट जाएंगे, रुकिए। अरे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कराए हुए एक बड़ा काम या एक छोटा काम, फारूक साहब तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फारूक साहब इतना तेज मत बोलिए, केबिन में शीशे लगे होंगे टूट जाएंगे खामा खा, आवाज में भी एनर्जी होती है, ठीक है रुकिए, ठीक है रुकिए, यहाँ जनता की बात हो रही है, यहाँ इंसानियत की बात हो रही है, यहाँ विकास की बात, अरे फिजिक्स भी कुछ होता है, अरे फिजिक्स भी कुछ होता है, ठीक है रुकिए, चलिए ठीक है, राजकुमार साहब को बोलिए, राजकुमार साहब चाहता हूँ कि आपने, आपकी सरकार ने सिर्फ बोलने से सिवा
शिवाल खास या पूरे उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा कार्य किया था कि जिससे आप रिपीट कर सकते हो? लेकिन हम पूरे, अरे हम बता रहे हैं कि किस चीज से कर सकते हैं, हम पिछली बार से दुगनी सीटों से 350 सीटों से शिवाल खास पर आइए, शिवाल खास पर, शिवाल खास पर आइए, शिवाल खास कैसे रिपीट करेंगे? हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, हमने बताया इन्होंने करोड़ों तक जोड़ने का काम बुनी निराए से लगा करके इन्होंने मील तक जितना भी सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है, उनका पूरा मोहम्मद ने काम किया है। आप हरड़ खड़ाई मोड़ से लगा करके ठीक है सोलर लाइट के लिए ठीक है। राजकुमार साहब लोग कह रहे हैं कि मोदी लहर में जीते, मोदी लहर में ठीक है ठीक है ठीक है। रुकिए दोनों सम्मानित नेतागण रुकिए जरा ठहरिए। 2017 में 2 तारीख फरवरी की अखिलेश यादव शिवाल खास विधानसभा में आए थे, उन्होंने वहां से कहा कि 100 नंबर मैंने दी है, उन्होंने वहां से कहा कि अब देखिए 100 नंबर पुलिस 15 मिनट के अंदर आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, तो शिवाल खास के लोगों ने खूब तालियां बजाई थी। तो ये काम भी तो राजकुमार साहब अखिलेश यादव ने ही दिए हैं। अगर क्राइम की आप बात कर रहे हैं तो पुलिस भी तो मुस्तैद करवाई अखिलेश यादव ने 100 नंबर, आज आपने उसका नाम बदल दिया। मुस्तैद तो कराई है लेकिन वो मुस्तैद उस समय रिश्वत लेने के लिए कराई थी, रिश्वत के लिए। आज बताइए थाने में इतनी गाँव में नहीं रहती थी जितनी थाने में रहती थी, आज थाना बिल्कुल साफ सुथरा रहता है और कोई भी फरियादी पुलिस कर्मियों को जो दी थी। और मैं व्यापारी गांव का ही बताता हूँ, आज तक किसी भी नेता गण ने शिवाल खास हुई है या बनावा जब तक भी रही है इसमें कोई कार्य नहीं हुआ था। और माननीय जितेंद्र सिंह सतवाई जी ने व्यापारी गांव में एक दर्शक दर्शक भी जुड़ेंगे, दर्शक भी जुड़ेंगे, दर्शकों से भी बातचीत होगी। में 1 करोड़ रुपए का काम किया है तो हमने कभी किसी उसके लिए नहीं किया है, या धर्म विशेष के लिए नहीं किया, हमने सबका साथ सबका विकास किया है। कोविड 19 में जब ये सपा के जितने भी पार्टियां थी फारूक हसन सिंह से मैं पूछ रहा था। चले ठीक है कार्यक्रम समापन का वक्त है, चले ठीक है रुकिए ठहरिए जरा बस स्टॉप, स्क्रीन पर आइए फारूक साहब। फारूक साहब जाने से पहले एक वो काम बताइए ठीक है। चलिए राजकुमार साहब, राजकुमार साहब एक काम बता दीजिए जिसको लेकर आपको लगता हो कि आप रिपीट कर रहे हैं। फारूक साहब तो रुखसती हो गए, चलिए बताइए जी। हमने विकास पूरे क्षेत्र में अपनी कोविड 19 में जितनी सेवाएं जन सेवा आयुष्मान कार्ड योजना चलाई है और 3 तलाक, ये तो राज्य के, ये तो राज्य स्तर के काम मत गिनाइए। शिवाल खास के लिए आपके विधायक ने क्या किया वो बताइए, ये राशन बांटा ये सब मत गिनाइए, ये बताइए शिवाल खास के लिए आपके विधायक ने क्या किया वो बताइए। शिवाल खास ने बताइए, अरे बताइए कि आप बताइए जी। मैं ये कह रहा हूं कि जो आप काम गिना रहे हैं कि राशन बांटा टीका लगाया ये सब राज्य स्तर के काम है, आप वो मत बताइए, आप ये बताइए कि शिवाल खास के लिए आपके विधायक ने क्या कुछ अलग काम किया है वो बताइएगा। फूड खास के लिए थाना दिया है हमने, थाना दिया है, हलवा बिजली घर, हलवा बिजली घर, फूड में बिजली घर। फारूक साहब हाथों से जेस्चर दे रहे हैं कि बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप, नाना नाना ना कर रहे हैं। फारूक साहब की ऑडियो लीजिए, नाना नाना ना, ये देख सकते हैं करनाल में हमने बिजली घर, करनाल में वो सबसे बड़ा काम है खिरवा जलालपुर से वो मेरठ से बाईपास खिरवा जलालपुर होते हुए मुहेड़ा टंकी तक का पूरा रास्ता जो सड़क है वो चौड़ी। शिवाल खास में इतनी गंदगी क्यों है, शिवाल खास में इतनी गंदगी क्यों है ये बताइए, कचड़े का ढेर जगह जगह लगा हुआ है, नालियां उफनाती हुई नजर आ रही हैं, ये क्या है शिवाल खास इतना गंदा क्यों है ये बताइए। शिवाल खास में गंदगी कहीं नहीं है, सब सफाई के उसमें है। अच्छा, कहीं पर भी कोई ऐसी गंदगी नहीं है जिसे आप दिखा सकते हो। ठीक है, फारूक साहब बोल रहे हैं कि सफेद झूठ है ये, फारूक साहब कह रहे हैं सफेद झूठ है और तस्वीरें भी हमारी स्क्रीन पर चल रही हैं जो आपकी बात को लगभग गड़बड़ कर रही है। ठीक है चलिए, ऐसे में दर्शक जुड़ गए, दर्शक जुड़ गए, दर्शक जुड़ गए, दर्शक को लीजिए जरा कॉल पर लीजिए जी। जी नमस्कार, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। ठीक है, नाम बताइएगा अपना।
आशीष मलिक, ये बताइए मलिक साहब, आप सिवाल खास में कौन से क्षेत्र से, कहाँ, किस जगह से, किस लोकैलिटी से? अच्छा अच्छा सिवाल खास, आपका सवाल किससे है, सवाल कीजिए। ठीक है, चलिए सवाल मिल गया। राजकुमार साहब, दंगे को कब तक इनकैश करेंगे आप? क्या दंगा पॉलिटिक्स अभी भी आपकी जारी है, बताइए। नहीं, विकास के लिए आते हैं, फिर दंगे पर कहां से आ जाता है? ये कौन सा विकास है? दंगों का विकास करेंगे क्या? दंगे का जिक्र क्यों कर रहे हैं बार बार? जैसा आपको फायदा मिला 2013 मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, 2014 में और 2017 में, ये जो गन्ना बेल्ट है इसमें जो आपको फायदा मिला उसको लेकर कब तक खेलेंगे कूदेंगे, बताइए। हमने दंगे के लिए कहा है, दंगा तो उस सरकार में हुआ था, इस सरकार में आप एक भी दंगा बता दीजिए। भाई उस सरकार में दंगा तो हुआ था, लेकिन उस दंगे को कब तक आप इनकैश करते रहेंगे? कब तक उस दंगे के नाम पर आप वोट मांगते रहेंगे? कब तक उस दंगे नहीं पीछे से कर दिया, पर्दे से लोगों ने, अरे फारूक साहब अब आप बीच में आ गए तो सवाल का जवाब दीजिए। दंगा कराने वाले अगर ये है तो सरकार तो आपकी थी ना 2013 में, ये भी सवाल आपसे पलट कर बन जाएगा। आपकी सरकार में दंगा होता है आपको शर्मिंदा होना चाहिए। आप कह रहे हैं इन्होंने दंगा कराया, आप क्या थे, सक्षम नहीं थे दंगा रोकने में, नहीं रोक पाए दंगा? 2013 में किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव की। दंगा नहीं रोक पाया, नहीं रोक पाए? देखिए नहीं देखूंगा कुछ नहीं, नहीं रोक पाए ना दंगा? इन्वॉल्व थे, क्या कार्रवाई करेंगे आप? आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने दंगा किया वो तो सत्ता में बैठे हैं, कार्रवाई क्या करी आपने? झुंझुरा मत दिखाइए मुझे, आप ये बताइए कि आपकी जब सरकार थी तब आप दंगों को कंट्रोल नहीं कर पाए ना? कहां कंट्रोल हुआ भैया, कहां कंट्रोल हुआ? कितना हिंदू मर गया, कितना मुसलमान मर गया, आपकी सरकार थी कहां कंट्रोल कर पाया? तो जब भी दंगों का जिक्र होता है तो समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा माफी वाली पोजीशन पर रहना चाहिए, ठीक है? चलिए ठीक है, कार्यक्रम समापन का वक्त है, बाकी सब ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है, बाकी सब भोले नाथ। चलिए ठीक है, चलिए फारूक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजकुमार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और सवाल खास की जनता को क्या कुछ मिला इसको टटोलने की हमने कोशिश की, जांचने की, परखने की, इंस्पेक्शन करने की, निरीक्षण करने की तमाम कोशिश की। तो सवाल खास के लिए क्या कुछ खास रहा ये टर्म जो अभी बीजेपी ने निभाया, इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही उसने क्या कुछ खास दिया सवाल खास को, यह भी एक बड़ा सवाल है। कौन सी पार्टी यहां पर अब सवाल खास के लिए खास करने वाली है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा जब मतपेटियां खुलेंगी, मतपेटियों की खिड़कियां खुलेंगी तो कौन खुलेगा, कौन सा नया नाम अब सामने आएगा, क्योंकि सवाल खास में हर 5 साल में एक नया नाम ही तो सामने आता है, नया नाम सामने आता है लेकिन वो क्या कुछ दे जाता है ये बड़ा सवाल है। क्या ऐसे ही विधायक आते रहेंगे जाते रहेंगे, आया राम गया राम चलता रहेगा, या सवाल खास में कभी ठहर कर विकास की बयार भी बहेगी, क्या सवाल खास सच में खास बन पाएगा? कल एक बार फिर हाजिर होंगे आपके साथ एक नई विधानसभा को लेकर, एक नई विधानसभा के साथ जहां पर नेता होंगे और साथ ही साथ जनता भी होगी, सीधे जुड़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि क्या इस विधानसभा में क्या कुछ काम हुए हैं और कौन नेता गर्दिश में है, कौन सी पार्टी गर्दिश में है और हवा जो है सियासी हवा वो क्या कुछ कहती है। फिलहाल के शुक्रिया।